नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। महाराष्ट्र पर छाए सियासी संकट के बादल अभी भी उतने ही गरज रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे के जो तेवर हैं वो अभी भी नरम नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि करीब 46 से ज़्यादा बागी विधायकों को वो अपने खेमे में ले चुके हैं। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर रहे दल बदल विरोधी कानून को चुनौती देने के लिए भी अब एकनाथ शिंदे तैयार हो गए हैं। इसी बीच बुधवार देर रात जहां शिवसेना के चार और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे, तो वहीं आज सुबह भी तीन और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीते बुधवार शाम को ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया और देर रात सरकार छोड़कर मोतीश्री पहुंच गए, सरकारी आवास छोड़कर वो मोतीश्री पहुंच गए। इस बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शरद पवार आज एनसीपी विधायकों के साथ जो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, आखिरकार इसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। जी हाँ, जिस तरह से शिवसेना के तीन और विधायक अब गुवाहाटी के होटल रेडिसन होटल ब्लू में पहुंच चुके हैं, आखिरकार क्या होगा मुसीबतों में घिरी शिवसेना सरकार का। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरह से शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे लगातार और बचे विधायकों को बागी बनाकर अपने खेमे में जोड़ने में लगे हुए हैं, आखिरकार अब इसके बाद क्या होगा उद्धव ठाकरे की सरकार का, यही सबसे बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।